देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है घर में गोली इडली। कितनी बढ़िया हमारी इडली तैयार हुई है। तो चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे बनाया, किन किन चीज़ों से बनाया और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं हल्का फुल्का नाश्ता। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, पकौड़े खाने के लिए मन करता है, तली हुई चीज़ें लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ी खतरनाक होती हैं वो। तो हम बिल्कुल हल्का फुल्का लेकिन चटपटा नाश्ता बनाएंगे, जो आप किसी भी मौसम में खा लें, टेस्टी लगता है और पचाने में भी आसान होता है। हम बनाएंगे रवा इडली, गोली इडली। आप कहेंगे कि इडली तो दाल चावल से बनती है, लेकिन मैं दाल चावल से नहीं बनाती, मैं अक्सर इनको सूजी से ही बनाती हूँ। ये मैंने ली सूजी। अब हम पैन में पहले डालेंगे 1 चम्मच घी। घी या तेल आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या आप जो भी अपने घर में इस्तेमाल करते हो। मैं घी में बना रही हूँ। घी से होता क्या है, थोड़ी सी रिचनेस आ जाती है, इसलिए मैं घी डालती हूँ। आप चाहें तो तेल भी बना सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया, मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच सरसों और 1/2 चम्मच जीरा, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कड़ी पत्ता, और इनको हल्का सा भून लेंगे। और इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। और जितना आपने रवा लेना है, जितनी आपने सूजी ली है, उसका बिल्कुल बराबर पानी डालिए। 1 कटोरी ली है तो 1 कटोरी पानी, और 1.5 कटोरी, 2 कटोरी ली है तो 2 कटोरी पानी, ये मैंने पानी डाल। और अब इसमें मैं डालूँगी हल्की सी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इस पानी को उबलने देंगे। पानी उबलने लगा है, अब हम इसमें सूजी डालेंगे। मैंने 1.5 कप कटोरी से सूजी डाली है। ज़रूरी नहीं है आप कप से नाप बनाएं, आप किसी भी कटोरी, घर का कोई भी बर्तन लेके उससे नाप बना सकते हैं। हम हलवा बनाते हैं, उसमें हम 3 गुना पानी डालते हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा प्यासा रखना है, क्योंकि अभी हम इसको स्टीम भी करेंगे इसलिए। और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। और इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच दही। दही से वही जैसे घी से रिचनेस आती है, ऐसे ही इससे रिचनेस आएगी और खटास भी आएगी, दोनों चीज़ आएंगी। ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा डो तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मलेंगे इस तरह से, जिससे ये स्मूथ हो जाए। अब हम इसको ढक के रख देंगे। देखिए हमारी सूजी को रेस्ट करते टाइम हो गया। ये अभी भी इतनी गर्म है कि ये मेरे हाथ बर्दाश्त कर सकें, बस इतनी गर्म है। अब हम इसको आटे की तरह अच्छे से मलेंगे। बस इसको हमने ऐसे नहीं मलना है, इससे क्या होगा, रवे का दाना मर जाएगा। हम इसको इस तरह से मलेंगे, ये इस तरह से, कि हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे पीस लेंगे और इस तरह से बिल्कुल स्मूथ गोली बनाएंगे। जैसे हम रसगुल्लों के लिए मैदे को मलते हैं, उस पनीर को मलते हैं, जिससे कि उसमें कोई भी क्रैक ना आए। देखिए इसी तरह से ये हमने बना ली। मैं और बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं सारी गोली बना लेती हूँ। देखिए मैंने सारी गोलियाँ बना के तैयार कर ली हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। इसमें हमने जो कड़ी पत्ता और चिली फ्लेक्स डाले, उससे देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। ये मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया, उबलने लगा। ये देखिए, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में बनाइए, लेकिन मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं इसी तरह से इस्तेमाल। थोड़ा सा जाली को तेल लगा के चिकना कर लूँगी, जिससे कि हमारी इडली में चिपके नहीं। अब बस पानी हमें इतना डालना है जो हमारे छलनी को छू ना सके, केवल इसमें स्टीम आए, और अच्छे बॉइलिंग पॉइंट पे हमें अपने ये रखनी है। ये देखिए मैं इसमें ये सारी इडली लग रही, कितनी सुंदर इडली लग रही है। और आप कहेंगे सूजी, सूजी से हर चीज़, इडली सूजी से ही बनाती हो जब भी बनाती हो, लेकिन हम थोड़े शुगर के पेशेंट हैं तो हम वैसे भी चावल थोड़े कम खाते हैं। और आप सूजी को हल्के में मत लीजिए, सूजी में
फुल प्रोटीन होता है, इसमें 11 से 11.5% तक प्रोटीन होता है, तो इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये पचते भी अच्छे से है, पाचन में भी हमें परेशानी नहीं आती, हल्का होता है। अब इसको मैं ढक के पकने के लिए स्टीम करेंगे इसको हम 10 से 15 मिनट तक, उसके बाद मिलते हैं। तो अपनी इडली को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं स्टीम होते हुए, आप देख पा रहे होंगे कलर कितना ये ट्रांसपेरेंसी हो गई है। देखिए अब चेक कर लेते हैं हुई कि नहीं, ये मैं एक टूथपिक डालूंगी, देखिए कितने आराम से जा रही है। और अभी थोड़ी कसर है, ये देखिए थोड़ा सा लगा हुआ है, मैं इसे ढक के पकाऊंगी। इतने मैं इसे ढक के पकाती हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर करें, कमेंट्स करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है। इडली को फिर से चेक कर लेते हैं, गोला इडली को देख, वाह अब तो ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए दूसरी वाली चेक करती हूँ, बिल्कुल तैयार हैं, पक्के, कहीं से चिपकी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे के ऐसे हैं। देखिए कितने अच्छे से घूम रही हैं और फूल के बड़ी हो गई हैं। चलिए अब हम इनको रेस्ट पे रख देते हैं, फिर मिलते हैं। कि हमारी इडली कितने अच्छे से तैयार हुई और रेस्ट भी ले लिया इन्होंने अच्छे 5 मिनट तक। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसे कितनी अच्छी बनी है, कैसे बाउंस है इनमें। ये देखिए काट तोड़ के दिखाऊँ आपको, देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर है, हमारी इडली कितने अच्छे से तैयार हुई है। चलिए इन्हें और टेस्टी बना लेते हैं। ये मैंने रखा एक पैन में मैं डालूंगी तेल, ये वही वाला पैन है जिसमें कि मैंने तेल, हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं। और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे सरसों, 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच उड़द की दाल, इनको अच्छा सा नटी फ्लेवर आने देंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच तिल, तिल का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, तिल को भी अच्छे से भुनने देंगे। और इसमें डालेंगे ये बारीक मैंने कड़ी पत्ते को काट लिया है, आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं। और ये चिली फ्लेक्स, और इसमें चाहें तो आप सांभर मसाला डालकर अपनी इडली को फ्राई कर सकते हैं, इडली पोड़ी मसाला जो होता है वो डाल के अपनी इडलियों को फ्राई कर सकते हैं, पाव भाजी मसाला डाल के फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं मसाला कोई नहीं डालूंगी, मेरी इडली में पहले से काफ़ी तीखापन मसाला है, हमने दही डाली थी उससे खटास भी है। अब हम अपनी इडलियों को इसमें डाल के अच्छे से कोट कर लेंगे। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए हमारी इडली कितनी बढ़िया से तैयार हुई है, मैं अब आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर आप मसाला डाल के इनको भूनेंगे तो ये और भी सुंदर दिखेंगी, एकदम से तीखी चटपटी। लेकिन मैंने इसमें अंदर मसाला डाल दिया था, इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं लगी है कि मैं और तीखी करूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला।